विपक्ष जब आपदा थी बार बार कह रहा था कि मानसून सत्र बनाया जाए, और हमने बार बार उनसे अनुरोध किया था कि आपदा के समय हमें आपदा पीड़ित परिवारों की मदद करनी है, और अगर हम अभी मानसून सत्र बुलाएंगे तो जो आपदा पीड़ित परिवार पर प्रभावित परिवार है जिसमें प्रशासन लगा होता है, पुलिस के कर्मचारी लगे होते हैं, तो कैसे उनकी मदद हो सकती है। कुछ डिले के बाद हमने ये आपदा ये जो सेशन है बुलाया है। अब उनके पास मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अपनी बात सभा सदन पर रखे, और इसलिए उस सभा सदन पर जो बात रखनी है उस दृष्टि से हम चाहेंगे कि वो फैक्ट्स के साथ बात रखें, और कितना पैसा भारत सरकार से मिला वो भी बताएं हमें, और पूरा सदन और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। महज अपना ध्यान अखबारों में लाने के लिए कई प्रकार की बातें वो कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान उसमें जाए। अब विधानसभा सत्र में जब आप फैक्ट्स के साथ रखेंगे हम आपकी बात सुनेंगे, और हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वॉकआउट मत करना, अपनी पूरी बात रखना, आराम से रखना, और पूरी बात हम सुनेंगे। यही माइंड सेट करके ना आना कि हमने वॉकआउट करना, रख दिया कागज और नहीं, फैक्ट्स के साथ बात रखना, और हम सब लोग, हमारे सभी लोग तैयार हैं। मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और चर्चा कीजिए सदन चर्चा के लिए। वित्तीय कुप्रबंधन की जो आज हमें माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री के की हमने एक सब कमेटी बनाई थी जिसमें अनुरोध जी थे और चंद्र कुमार जी थे, उन्होंने आज हमें रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट को अभी हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में अभी हम पूरा खुलासा नहीं करेंगे। जिस दिन ले होगी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना कुप्रबंधन जो वित्तीय हुआ है, 75,000 करोड़ का कर्ज, 10,000 करोड़ रुपये का लाइबिलिटीज, और कितनी कुप्रबंधन हुआ, सब चीज़ें फैक्ट्स के साथ आएगी। और क्योंकि हमारी सरकार जनता के प्रति भी जवाबदेही रखती है और विपक्ष के प्रति भी जवाबदेही रखती है, लेकिन उनको पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने क्या पिछले 5 साल में क्या करतूत की है, उसका पता लगना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम आज इन्होंने मुझे, मुकेश अग्निहोत्री जी ने आज रिपोर्ट सबमिट, मैं सभी CWC के सदस्यों का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि जो हिमाचल की आपदा है जिसको हिमाचल सरकार ने राज्य आपदा पहले ही घोषित कर दिया है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस संदर्भ में CWC में एक प्रस्ताव पारित